शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजकुमारी अफिलिया ने हमें याद फरमाया। हाँ महामन, आज हमें अपने शाही कोष से एक ऐसा पुराना खत मिला है जिसमें हमारे पुरखों के बेशुमार खजाने का जिक्र है। हम जानना चाहते हैं अगर ये खजाना है तो कहाँ है। ये सही है राजकुमारी साहिबा कि हमारे इस टापू के किसी कोने में बेशुमार दौलत दबी हुई है, लेकिन सदियों से वहाँ कोई पहुँच नहीं सका। आखिर क्यों? इसलिए कि वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं मालूम। सुना गया है कि यहां से 50 मील दूर प्रतापगढ़ की एक रियासत है, वहीं पर एक मंदिर में एक ऐसी भाग्यशाली मूर्ति स्थापित है जिसमें जड़े हुए एक लाल हीरे में उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। तो फिर महामन, उस मूर्ति को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये काम असंभव है। उस मूर्ति को मंदिर से हटाने का मतलब है भयानक शराब जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। बेहतर है कि राजकुमारी साहिबा उसे भूल जाएं। ओह, ठाकुर साहब, आप बहुत अच्छे समय पर आए। आरती का समय हो ही रहा है। हम आरती के लिए नहीं आए, इस नायाब मूर्ति को लेने आए। ठाकुर साहब, आप देवी को उसके स्थान से उठाना चाहते हैं? देवी का असली स्थान तो हमारे महल में है स्वामी जी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पुरखों ने इसे इस मामूली से मंदिर में रख दिया था। ठाकुर साहब, ऐसा अनर्थ न कीजिए। अनर्थ तो ये है कि जिस दिन से मूर्ति हमारी रियासत से गई, हमारी दौलत कम होती गई। लेकिन आप भूल रहे हैं भाई साहब, ये मूर्ति मालामाल तो कर देती है लेकिन कितना बड़ा श्राप छोड़ जाती है। ये सब पुराने ख्याल है, हम इसे नहीं मानते। ये मूर्ति हमारी है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। ऐसा न कीजिए ठाकुर साहब, देवी को उसके स्थान से उठाने का मतलब है हर कुंभ मेले में घर में एक जवान मौत। देवी का श्राप आपको लग जाएगा ठाकुर साहब, आपको लग जाएगा। अकमात भाई साहब, मान जाइए। रंजीत छोड़ दो। मूर्ति मंदिर से निकलकर प्रतापगढ़ के ठाकुर के यहाँ पहुंच गई है और श्राप उसे लग गया। लेकिन अब किसी भी हालत में मूर्ति दोबारा मंदिर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पुरखों के खजाने तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। रियासत प्रतापगढ़ के एक साहब शेर सिंह यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये उस मूर्ति को आपके लिए हासिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत खूब। लेकिन कीमत ऊंची चाहिए। कीमत ऊंची ही मिलेगी शेर सिंह,
हम वचन देते हैं जिस दिन तुम ये मूर्ति ले आओगे हम तुम्हें अपना पति मानकर इस राजगद्दी का हकदार बना देंगे। बहुत देर हो गई। अरे मेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी कहीं नहीं गई। आप ही घड़ी से ज्यादा तेज भाग रहे हैं। ये लीजिए। पिताजी मैं आपके साथ ही चलूंगा। आज नहीं बेटा, आज महल में बहुत काम है। नहीं पिताजी मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। जिद नहीं करते। देखा नहीं पिताजी काम पर जा रहे हैं। कब तक लौटेंगे? कुछ कह नहीं सकता भाग्यवान। आज ठाकुर साहब का बेटा कई वर्षों के बाद में विलायत से आ रहा है। बहुत तैयारियां करनी है और ये मंगल हमेशा देर करवा देता है। अरे मंगल, ओ मंगल क्या हो रहे? वो तो कब का तैयार है वो देखिए। जब से मंगल की पत्नी गुजरी है आज मैंने पहली बार उसे मंदिर के सामने देखा है। भगवान आज क्लब में एक बड़ी मालदार असामी आ रही है, बस तीन इक्के दिलवा देना। अरे इक्के नहीं तो तीन बादशाह दिलवा देना। मैं वायदा करता हूँ कि अपनी जीत का 5% तेरे नाम पर चढ़वा दूंगा। हाँ अबे हो इंस्पेक्टर की औलाद, अपने बाप को रिवाल्वर दिखाता है? देखता नहीं मैं पूजा कर रहा था। मंगल आज तुम्हें मंदिर में देखकर बहुत खुशी हुई। क्या मांग रहे थे भगवान से? वो बड़े भैया वो घर की खुशहाली मांग रहा था। नहीं पिताजी, पिताजी तो तीन बादशाह मांग रहे थे। ची ची ची, तुमसे तो तुम्हारा बेटा अच्छा है जो सच बोलता है। देख ली श्रद्धा अपने देवर जी की? आप तो हमेशा नसीहत ही देते रहते हैं। दिल बहलाने के लिए ताश खेल लिया तो क्या हुआ? जीतता ही है, हारता तो नहीं। आप तो हमेशा अपने देवर जी की तरफदारी करेंगी ना। देर हो रही है, चलो जल्दी। चलो भाई पहला मंदिर। ठीक है। रामलाल जी, कुंवर बरसों के बाद विलायत से वापस आ रहा है। हमारे बेटे का स्वागत शान शौकत से होना चाहिए। चिंता ना करें महाराज, सारी रियासत कुंवर के स्वागत के लिए बेचैन है। ठीक है। भाई साहब तुम आ गए रंजीत। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी। आपको क्या हुआ अंकल? जो नसीब में था वही हुआ। रामलाल मीना को बाहर ले जाओ। आओ बेटी आओ। बैठो रंजीत। रंजीत हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। क्षमा कीजिए भाई साहब, ये आपकी जिद का नतीजा है। कुंभ का मेला आया तो छोटे राजकुमार साहब भी चल बसे। आपने देवी की मूर्ति को उसके पवित्र स्थान से हटाकर अच्छा नहीं किया। न जाने ये शराब हमारे खानदान में कब तक चलता रहेगा। नहीं ये बात नहीं रंजीत, जीने मरने से मूर्ति का क्या संबंध। मूर्ति के रियासत में आने से हम दिन ब दिन माला माल होते गए। लेकिन भाई साहब आप पुजारी की चेतावनी को भूल गए, अपने दोनों बेटों को खो दिया। भाई साहब हमारे परिवार में अब मेरी छोटी बेटी रह गई है, उस पर तरस खाइए और मूर्ति वापस मंदिर में रख दीजिए। बेवकूफी की बातें ना करो रंजीत, तुम अपने अंधविश्वास के कारण बरसों से संभाली हुई नाया मूर्ति को मंदिर में रखने को कहते हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई साहब, यह नहीं हो सकता। यह मेरा आखिरी फैसला। ठीक है भाई साहब, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। मालामाल तो कर देती लेकिन कितना बड़ा श्राप छोड़ जाती। ऐसा न कीजिए ठाकुर साहब, देवी का श्राप आपको लग जाएगा। ठाकुर साहब आपको लग जाएगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। देवी का श्राप आपको लग जाएगा। ठाकुर साहब आपको लग जाएगा। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। नहीं, ठाकुर साहब जी मेरे पास वक्त बहुत कम है।
वो मूर्ति जल्दी से जल्दी मेरे भाई रंजीत सिंह के पास पहुंचा दो। वो उसे उस मंदिर में रख देगा और हमारे खानदान से ये श्राप हमेशा के लिए मिट जाएगा। भरोसा रखें, हिफाजत के लिए गार्ड साथ होंगे और मेरा छोटा भाई खुद मूर्ति लेकर के जाएगा। बस मेरे लिए आप नहीं मानो, क्यों मंगल जीत के उठ रहे हो? अरे पहले कभी उठकर गया हूँ, क्या करूँ, भाई साहब का टेलीफोन आ गया था सुबह सुबह एक बड़े जरूरी काम से। अरे मंगल मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारे भाई का फोन आया था। भाई साहब का क्या बात है? तुम बम्बई जाने वाले थे ना? हाँ हाँ। उनका मैसेज था कि प्रोग्राम कुछ बदल गया है, आज की बजाय कल जाना होगा। अरे वंडरफुल, लो भाई फिर नहीं कहना कि मैं उठकर चला गया था। पार्टी टेलीफोन रख दो रामलाल, तुम्हारा भाई नहीं आएगा। शेर सिंह ये क्या बदतमीजी है? मूर्ति कहाँ है? मूर्ति कहाँ है? नहीं तो मैं बताता हूं, आओ मेरे साथ। चप्पा ढूंढ मारो, जहां से भी हो गिरफ्तार करके लाओ उसे। जाओ आइए ठाकुर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? आगे मत बढ़ो। मूर्ति कहाँ है? कैसी मूर्ति? रामलाल ने तुम्हें टेलीफोन किया था, वो याद है? हाँ किया था, लेकिन मूर्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुमने नहीं बताया कि मूर्ति कहाँ है तो मैं तुम्हारी बच्ची को गोली मार दूंगा। एक। पापा। मैं सच कहता हूँ, मूर्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मेरी बात मानो, मूर्ति मेरे पास नहीं है। बताओ मूर्ति कहाँ है? कहाँ है मूर्ति? रामलाल ने मुझे टेलीफोन पर कहा था कि। क्या कहा था? उसने कहा था कि Thank you.
बोल ठाकुर, कहाँ है मूर्ति? बोल! बता ठाकुर। ये नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अगर नहीं बताया तो मैं तुझे समीर। चल चल। मम्मी वो कौन हो तुम? रामलाल कहाँ? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ रामलाल कहाँ? छोटे ठाकुर के यहाँ गए हैं। तो एक काम करो, इस बच्चे को ले चलो और रामलाल से कह देना कि अगर अपने बच्चे को जिंदा चाहता है तो मूर्ति लेकर मेरे पास आ जाए। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाइए, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी बेटी खाएगी, खाना खाके सोएगी। मेरी बेटी सो गई। आप बगले राजा नहीं, प्रतापगढ़ के राजा। हमको रोटी दो ना। नहीं, रोटी मेरी बेटी खाएगी। लेकिन तुमने बहुत देर कर, चोर तो भाग गया। इधर इधर भाग गया। हाँ, अरे वो कर चाची। चाची, तुम्हारी तपस्या और आशीर्वाद से आज मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ। भगवान तुझे कामयाबी दे बेटे। आज मंगल होता तो ये देखकर कितना खुश होता कि उसका बेटा सचमुच इंस्पेक्टर बन गया है। और ये जानकर पिताजी को दुख भी होता चाची कि तुम्हारा अपना बेटा तुमसे पिछड़ गया है। किस्मत को यही मंजूर था। लेकिन शेखर, तेरा सहारा तो मुझे है, तू भी तो मेरा बेटा है। तू फिक्र मत कर चाची, अब मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ। मैं वचन देता हूँ कि तेरा बिरजू जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। Thank you.
क्या करता है? माफ कीजिए सेठ जी, ये मच्छर की जगह आप बीच में कैसे टपक पड़े? मेरा मतलब जी, फरमाइए क्या चाहिए आपको? ओहो, मूर्ति की दुकान पर क्या भाजी पाला खरीदने को आएंगे? मूली गाजर, एक मॉडर्न आर्ट की एक तस्वीर दिखाओ। मॉडर्न आर्ट? ओहो, ये लीजिए, ये एकदम मॉडर्न, आज ही बनाई है मैंने। ये मॉडर्न आर्ट? ये तो भगवान की मूर्ति है, गणेश जी की। नमस्कार। मॉडर्न आर्ट तो टेढ़ा मेढ़ा और टूटा फूटा होता है। टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा, समझ गया। एक मिनट जी, एक मिनट। ये देखिए, हर जगह से टेढ़ी मेढ़ी और साल भर से पड़े पड़े कई जगहों से टूट भी गई है। इससे ज्यादा मॉडर्न आर्ट मेरे पास में नहीं है। कैसा बेवकूफ आदमी है, अगर नहीं था तो पहले क्यों नहीं बता दिया, फजूल वक्त खराब किया। एक मिनट, अगर आपको ये पसंद नहीं तो इसे ले जाइए, सिर्फ 5 रुपए। अरे बाबा, मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी, यहाँ तो नहीं है साहब। चलो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चाची आ गए बेटे। ये मूर्ति? ये वही मूर्ति है ना चाची, जो चाचा जी लेकर गए थे। हाँ, ये वही मूर्ति है, लेकिन लेकिन तुझे कहाँ से मिली? क्या बात है शेखर, शेखर तू बोलता क्यों नहीं? कहाँ है तेरी चाचा जी? शेखर, शेखर कहाँ है? परसों पहले ही सब खत्म हो गया। वो खुद तो मिट गए, लेकिन इस अमानत को दुश्मनों के हाथ लगने नहीं दिया। बारह बरस तक जिस मूर्ति की मुझे तलाश थी, आज एक बार फिर मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया हूं। मैं वादा करता हूं कि अब की बार उसे हासिल करके रहूंगा। ओ मैं, तुमने मूर्ति के बारे में जो मुझे खबर ला कर दी है, बहुत अच्छी खबर ला कर दी है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। थैंक यू बॉस। मगर पुलिस ने तुम्हें वहां देख लिया था ना? हम नहीं चाहते कि पुलिस तुम्हें दोबारा देखे। कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। व्हिस्की, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हैव इट, हैव इट। चीयर्स। चीयर्स। मैक, मेरे साथ तुम्हारी आखिरी व्हिस्की है। नहीं। बॉस, बॉस, मैं बेकार शुरू। बॉस, बॉस, मैं बेकार शुरू। मुझे बचा लो, बॉस, बॉस। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हिफाजत के तौर पर तुम मूर्ति आज रात सर्किट हाउस में रखो और खुद सिक्योरिटी का इंतजाम करो। यस सर। मूर्ति सर्किट हाउस में सिर्फ आज रात तक ही रहेगी,
और एक बार मूर्ति वहां से निकल गई तो किसी गवर्नमेंट म्यूजियम में या वॉल्ट में चली जाएगी, जहां से उसका निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये काम आज ही रात को होगा और उसके लिए तुम वहां जाओगे शंकर। बस सुबह होने से पहले मूर्ति आपके पास पहुंच जाएगी। वेरी गुड। सर्किट हाउस के चारों तरफ गार्ड्स का पहरा होगा, इसलिए वहां हमें मजमा जमा करना होगा ताकि गार्ड थोड़ी देर के लिए हट जाए और वो काम तुम करोगे जॉन। ओके बॉस। अरे बस क्या, पूरब बताएगी, पश्चिम बताएगी, उत्तर बताएगी, दक्षिण बताएगी और जमूरे धन्नो क्या क्या बताएगी? क्या बताएगी? अरे मन का हाल बताएगी, किस्मत की चाल बताएगी, बूढ़े की शादी बताएगी, जवान की बर्बादी बताएगी और हाँ तो बोल धन्नो, किस भाई के तीन दांत टूट गए हैं? तो क्या ये सच है बाबा कि आपके तीन दांत टूट गए? हाँ दो दांत टूट गए हैं, एक दांत हिल रहा है। अरे दो टूट गए एक हिल रहा है, सुना भाई लोग, एक बाकी है, अरे वो भी जाएगा। अरे धन्नो की बात, पत्थर की लकीर है, लिखी तकदीर है, निशाने का तीर है, आप सबकी जागीर है। अरे बोलो भाई लोग किसको पूछना है? आता दाना, आता दाना, सवाल पूछे, आता दाना, आता दाना। ये लो। इन सब को पूछना उस्ताद, मालवार और बातंतर। पूछो सब बेधड़क पूछो। हमने अभी तक तीन शादी बनाया, सब ऊपर गया, अभी हम चौथा बनाना चाहता है, बचेगा कि नहीं? ए, जोरू का गुलाम है, अखाड़े का पहलवान है, दिल फेक इंसान है, बोल रही धनु तीन को मार चुका है, चौथी बचेगी क्या? चौथी भी जाएगी काका, अपने को ढाल लो, बुढ़ापा संभाल लो, ये भी ना हो तो सर पे ठंडा पानी डालो। ए, ए लड़की। ए, ए, क्या लड़की लड़की करता है, देखता नहीं धंधे करते हैं मैं। सरुपिया, क्या बात है साहब, बोलो क्या पूछना है? जरा इधर आओ। क्या बात है? आज रात को सर्किट हाउस के सामने मजमा लगाना है। आज रात सर्किट हाउस? मेरी धन्नो इतनी दूर कैसे पहुंचेगी? ये रही पेशगी, और काम हो जाने के बाद 400 और मिलेंगे। 400 और भी? आप बेफिक्र रहिए साहब, अपन धनु के बिना भी मजमा लगा सकता है, मगर खबरदार भूलना नहीं। नहीं साहब, पहुंचेगा साहब, सलाम साहब, सलाम। 100 का नोट? अच्छा तो तू 100 का नोट पहचानता है? देख मेरा मजाक मत कर, सच सच बता ये नोट तुझे कहाँ से मिला? देख बिरजू, नोट मिलते विलते नहीं है, कमाए जाते हैं, और इसके लिए अकल चाहिए, अकल जो तेरे पास है ही नहीं। इधर देख, मैं धनु को लेकर गई और 100 रुपए लेकर वापस। एक आदमी बोला आज रात को सर्किट हाउस के सामने मजमा लगाना है, अपन का साला क्या जाता है? और हाँ, ये तो सिर्फ पेशगी है, उसने वादा किया है कि काम करने के बाद वो मुझे 400 रुपए और देगा। अरे बिरजू जरा सोच, 400 रुपए और। 500 रुपए मजमा लगाने के लिए? मुझे तो उसमें हेरा फेरी नजर आती है। मैं कहता हूँ तू फंस जाएगी, तू फंस जाएगी। हाँ तू यहाँ बैठकर मच्छर मारता रहे, मैं तो आज रात को सर्किट हाउस के सामने जरूर मजमा लगाऊंगी। हाँ चल रे धन्नो, चल रे धन्नो। हेलो इंस्पेक्टर शेखर, आपकी माँ बेहोश हो गई है। क्या बेहोश? मैं भी आता हूँ। इस जगह का पूरा पूरा ध्यान रखो, कोई भी अंदर ना आने पाए। बहुत अच्छा सर। चलो क्या नथनिया नथनिया पागल कर भागा, नथनिया पागल कर भागा, मैं तो गोदी मेरे पीछे काम वाला का, क्यों काम वाला का, नथनिया पागल कर भागा, नथनिया पागल कर भागा। बड़े शौक से बनवाई नथनिया, चांदनी चौक से बड़े शौक से बनवाई नथनिया।
लाओ इधर। क्या क्या लाओ? ये लाओ कि ये लाओ? अच्छा भाई ये मांगा, ये मांगता तो ऐसा मारता। अरे बंदूक ले ले ले। ये तो नहीं लिया मेरी बेटी को। मैंने ये तो कोई गुंडा लगता है, अब मैं क्या करूं? चलो लाल गाड़ी। बस हाँ, ये इंस्पेक्टर जिंदा है। हाँ जिंदा है, पानी में फेंक दो इसे। बस फेंक दो इसे पानी में। हाँ अच्छा किया, मगर मेरी ये समझ में नहीं आता कि शंकर कहाँ गया, उसको तलाश करो ना। शंकर बस तुम बोले जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, चलो यहाँ। शंकर मूर्ति ले गया। अटेंशन, बोलो तुम। अरे तुम लोग देर से पहुंचे, शंकर आकर चला गया। ये ले जाना चाहता था, नहीं जाना। हट, तुमने राजकुमारी पर हाथ उठाया, रियासत के महाराज के बेटे पर हाथ उठाया। ले जाओ पागलखाने, ले जाओ पागलखाने से। भारी है, बहुत भारी है। भागो 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 यहाँ से, दो दो अरे हट के, दो दो भागो। घर पहुंच गए, घर पहुंच गए। भागो भागो। लाइट 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 दरवाजा 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 धोती ढीलू था क्यों परवीन भाई, मारी ना क्या परवीन भाई ने? ये दूसरा लफड़ा करी कहां से चालू हो गया? डॉक्टर किसी तरह से भी हो
इसे होश में आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जनाब। इसके सिवा किसी और को नहीं मालूम कि मूर्ति कहाँ है। ओ, सामलो छो, उठी जाओ, चाय पी लो। ओ, देखो कितना टाइम हो गया है, 10 बज गए हो। अभी तो उठी जाओ। भाई ना क्या प्रवीण भाई ने, भागो भागो, धरती का मत पे भूचाल। अरे भाग भाग, जमीन हाली रही छे। नहीं नहीं, जमीन नहीं हाली छे। हाँ? वो तो मैं तुम्हारा पाँव दबा रही थी। मारा पाँव दबावे छे? हाँ। तो ऐसा कैसा पाँव दबाती है, सोते सोते उठ जाता हूँ। अरे जो आईंदा थी खबरदार, मारा पाँव नहीं दबाना, मारा माथा नहीं दबाना, मारा हाथ नहीं दबाना, समझी? हावे सुन रहे તમે તો જરા જરા સી વાત પર નારાજ થઈ જાઓ છો। તમારા પાઉ નથી દબાવ તો કે ડ્રાઈવર કા પાઉ દબાવ, મારા ભાગ ફૂટી ગયો છે। કાંતબેન કાંતબેન, તું ના રો, देखो ना, रो रो के तू कितनी पतली थे गई, जो कितना दुबली थे गई छे। और तुम रोती हो ना तो हमें को भी रोना आता है, और मुझको रोना आता है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हार्ट में पेन होने लगता है, और हार्ट में पेन होने लगता है तो बहुत जल्दी मैं तो ऐसा मत बोलो। तू कांता, रोने का नहीं, आंसू पोंछ दो, जो कितनी सुंदर लागे छे, कितनी स्वीट लगती है। सवेरे सवेरे क्यों करो छो, कोई आ भी जाए तो? तो आ भी जा दो ना। हाँ? आने दो, आज मेरा मूड बहुत रोमांटिक है। आई ना क्या प्रवीण भाई ने। पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस स्टेशन, नंबर तो फेरो है ना थे। 100। सो करो छो प्रवीण भाई, दो तो खून, पुलिस चोरों की तलाश में धोती ढीरू थी जैसे। फोन रखी दो। कौन 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 सेठ जी, आरो 3 लाख का लॉटरी पक गयो। 3 लाख का लॉटरी, ये देखिए 1570909। मूर्ति, मूर्ति, हाँ, वो अपने वकील, उसको जाके ये टिकट दे दो, बोलो पैसे वसूल कर लो। बहुत अच्छा, जल्दी जाना टैक्सी में जाना। भागे साले मूर्ति, क्या साली मूर्ति, प्रवीण भाई ना घरे आवी गई। अब तू प्रवीण भाई ना तिजोरी से कहीं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। बाराती जोरी बा एक बार आओ जो, बाराती जोरी बा एक बार आओ जो, आओ जो रे, आओ जो रे, आओ जो। बस यही लड़की है साहब जो मजमे लगाए हुए थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। गुड मॉर्निंग साहब। बैठती ए लड़की, सीधे से खड़ी हो जा। बस क्या क्या क्या, तुमने सर्किट हाउस के सामने मजमा क्यों लगाया था? तो बिगड़ते काहे को, तुम पैसा दो तो यहाँ लगा दूंगी, तुमसे ना थोड़ा कम लूंगी। क्यों है? रिश्वत देना चाहती, वो भी सबके सामने। वहाँ कितना पैसा लिया था? सिर्फ 100 रुपया। किसने दिया था? तुम्हारी सरी का एक आदमी था साहब। क्या क्या नाम है उसका? कितनी गर्मी है, जरा पंखा इस तरफ करो ना। मैं पूछता हूँ उस आदमी का नाम क्या है। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। हेलो, क्या बोलता है, जोर से बोलो ना। इधर लाओ। अरे ठहरो, बोलता है। इधर लाओ। बताती हूँ क्या, ट्रंकल ट्रंकल। अरे ठहरो ना, टेलीफोन निकालो। डिस्कनेक्ट हो गया। डैम इट, मैं पूछता हूँ वो आदमी तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे पहचान सकती हो? अरे काहे को नहीं पहचान सकती, और हाँ अगर तुम्हें मिल जाए ना तो मुझे बता देना, अभी मेरा 400 बाकी है। 400 रुपए बाकी? ये लड़की सीधे खड़ी रहे,
खबरदार जो किसी चीज पे हाथ लगाया। कमाल है, हमको पसीना आता है, तुमको गुस्सा आता है, बस क्या? यहाँ बड़ों बड़ों को पसीना आया है, लेकिन किसी ने पंखा नहीं घुमाया है, सिर्फ हमने घुमाया है। अरे कभी तो पसीने की कमाई खाओ साहब। ओह यू शट अप। सगराम, पांडुराम, इसे ले जाओ और बंद कर दो। अरे अरे साहब इसे छोड़ दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं। मैंने बहुत समझाया लेकिन समझती नहीं है, बिल्कुल पागल छोकरी है। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, फिसल गया था। फिसल गया था? बदतमीज, सीने से खड़े हो जाओ। जी साहब। अरे तुम जाओ ना, अरे जाओ जाओ जाओ, देखता नहीं साहब गुस्से में है। तुम चुप रहो। ठीक है तुम जाओ। जाओ। कौन हो तुम? इस लड़की से क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये वो हाँ, ये मेरी मंगेतर है। मंगेतर? मैं क्यों तेरी मंगेतर होने लगी? माटी मिले जाड़िए साहब, साहब ये झूठ बोलता है, झूठा कहीं का। नहीं साहब। हाँ साहब। झूठ? पुलिस स्टेशन में झूठ? मैं 6 महीने के लिए अंदर भेजवा दूंगा। सच बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा बिरजू। क्या करते हो? काम करता हूँ साहब। क्या काम करते हो? अरे बहुत घटिया काम करता है साहब, मूर्ति बेचता है। तुम चुप रहो। मूर्ति? क्या करते हो? मूर्ति बेचता हूँ साहब। मूर्ति? और बेचता भी है? हाँ। पांडुरंग, सकाराम, बंद कर दो इसे। हाँ हाँ बंद कर दो इसे। अरे इंसान बंद कर दो। अरे साहब इसे क्यों बंद कर दो? नहीं बेचता है। इसने किया साहब। बस क्या, मंगेतर को ये अकेला बंद कर देगा? साहब इसे अंदर कर दो। अरे जाड़िए इसको, इसको। भगवान ये कैसा अन्याय है, मेरा सब कुछ तो पहले छीन गया। एक शेखर है, उसे कुछ हो गया तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। देखो किसी की लाश फंसी है। चलो मंगल सेठ को बोलते हैं। दिमाग तो ठिकाने हैं, जानता नहीं आज के दिन बॉस किसी से नहीं मिलता, ये गोलियों की आवाज सुनाई नहीं देती। आज का दिन था, आज ही का दिन था। जब मेरा भाई भाभी और बच्चे सब उससे बिछड़ गए थे, और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ था। किसकी जरूरत हुई मुझे बुलाने की? बोलो किसने आवाज दी? सेठ, अपने लॉज के पीछे एक आदमी की बॉडी मिली है। इसमें अभी जान बाकी है बॉस। तो मैं क्या करूं, फेंक दो इसे वापस पानी में। सुना नहीं, जाओ। आज के दिन तुम अपने घर वालों को तो नहीं बचा सके मंगल, लेकिन किसी दूसरे की जान तो बचा लो। ठहरो, ले आओ इसे। अच्छी तरह से पट्टी बांध। इतनी गोलियां लगने के बाद भी जिंदा है, किसी किस्मत वाले का बेटा मालूम होता है। तुम लोग सब भाग ठहरो। आज 12 साल के बाद फिर उसी मूर्ति की चोरी। मूर्ति कहां है ये तो मैं नहीं जानता भैया, लेकिन इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। मूर्ति, मूर्ति, पागल के पास, पागल के पास। पुलिस को खबर कर दो, मूर्ति पागल के पास। मूर्ति पागल के पास? वारदात की जगह पर एक पागल भी मौजूद था, लेकिन ये
शंभू। क्या बात है बॉस? इस आदमी का खास ध्यान रखना, ये किसी भी हालत में यहाँ से बाहर न जाने पाए, चाहे इसे होश भी आ जाए। बहुत अच्छा सरकार। आज हमारा हुक्म है कि जितने राज के पोपट हैं सबको एक दिन की छुट्टी दी जाए। बदतमीज, बदतमीज, अपने महाराज को डरा दिया। महाराज? कौन सा महाराज? कैसा महाराज? कहाँ का महाराज? महाराज प्रतापगढ़, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, पोस्ट ऑफिस प्रतापगढ़। महाराज को मारता है उल्लू। कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं हर हाइनेस प्रतापगढ़? नहीं तो? मैं आपका वही पुराना सेनापति। हमें वो जमाना याद आ गया जब हमारी सेना थी और उसका एक पति भी था। तुम वही पति हो? हाँ महाराज, मैं आपका वही पति हूँ। कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? महाराज मेरी सेना गुम हो गई है, उसे ढूंढ रहा था। मैं भी बरसों से अपनी सेना को ढूंढ रहा हूँ। आज 300 बरस के बाद हम अपने सेनापति से मिल रहे हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर रोएंगे। तुम लोग जाओ, जाओ, जाओ। सेनापति सेनापति, ये समाचार सुनने का समय है, समाचार सुनाओ। हम ऑल इंडिया रेडियो के अंदर से बोल रहे हैं, आकाशवाणी प्रतापगढ़ से। कल के ताजा समाचार सुनिए। अभी अभी खबर मिली है कि दिल्ली के एक कस्टम ऑफिसर ने दिल्ली के एक जूते की दुकान में धार डाली है, जहाँ से 2 तोले अफीम बरामद हुई है। कमाल है, खाने की दोनों चीजें एक ही जगह मौजूद है, चाहे जूते खाओ चाहे अफीम, चाहे दोनों खाओ, चाहे दोनों मिला के। हाँ बस, आगे कहो। अभी अभी खबर मिली है कि गवर्नमेंट सर्किट हाउस से 50 लाख की एक मूर्ति चोरी हुई है, जो कि बहुत ही। हॉल्ट, फिर से कहो। अभी अभी खबर मिली है गवर्नमेंट सर्किट हाउस से 50 लाख की एक मूर्ति चोरी हुई है, जो कि बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। पुलिस बुरी तरह से चोरों की तलाश में। समाचार समाप्त। सेनापति महाराज, हमारे राज्य में चोरी ये कैसे हो सकता? नहीं हो सकता महाराज, मैं उस चोर का सर काट के उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। कहाँ है वो चोर? वो तो शंकर जानता है। शंकर? महाराज शंकर कौन है? बड़ा भयंकर शंकर। डब्बा मुलाहदा कुम्हार लोहार सुनार चमार होशियार होशियार। महाराज अधिराज प्रतापगढ़ महल से आउट हो रहे हैं। हो रहे हैं। खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे खोल दो। खोल दो। बोलकर पागल कही के चल पड़े आए महाराज अधिराज बोलकर। सेनापति महाराज, शायद हम दुश्मन की सीमा पर आ गए, लेकिन महाराज मैदान जंग से यूं दुम दबाकर भागना आपको शोभा नहीं देता। फिर क्या शोभा देता है? अटैक। सेनापति, सेनापति! महाराज दुश्मन की सेना पीछे कर रही है। खटोला अरे अरे रुकना। देख आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, प्यार खत्म, रिश्ता खत्म, सब खत्म। तेरी वजह से मुझे 2 दिन हवालात में काटने पड़े, जानती है?
बस बहुत हो चुका। बस क्या, हवालात साहब इसे समझाओ ना, अंदर रिश्ता जोड़ता है बाहर आकर तोड़ता है। अब तुम ही बताओ, हवालात कोई बुरी जगह है? तुम भी तो यहाँ रहते हो। चला चला, जाती मांगस नहीं। अच्छी बात भैया, चलती हूँ। अरे ओ राजा जानी, ठहर तो सही। कहाँ जा रहा है, रुक जाना। खबरदार जो मुझे छुआ, तुम्हारी होती कौन है? बिरजू मेरी बात तो सुन। चला। अरे अपनी मैना को भी भूल गया क्या? अरे बिगड़ता काहे को, ये तो सोच, मेरी वजह से दो दिन तुझे फोकट का खाना तो मिला और पब्लिसिटी अलग। पब्लिसिटी? अरे तेरी वजह से मेरा नाम बदनाम हो गया, धंधा अलग चौपट हो गया। तेरा धंधा वैसे भी कौन सा चलता है? मेरा धंधा चले या रुक जाए, तुझे उससे क्या? तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, समझे? कैसा आदमी है, फुटपाथ अलग है तो कहता रास्ता अलग है, बुद्धू कहीं का। जंगल छान मारा लेकिन शंकर का कहीं पता ही नहीं चला, न जाने वो कहां छुप गया है। जरूर यहां छुपा है। कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, एक दिन तो आम बनकर बिकेगी पहाड़ में। सेनापति अर्ज करता हूँ महाराज, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का है। बुलबुला? अरे ये शेर नहीं, दूसरा शेर। बाब मुलाहजा कीजिए महाराज, तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती। अरे कैसे नहीं होती, दूसरी है, वो देखो वो। महाराज ये गालिब का शेर नहीं है, जंगल का शेर है, बहुत खतरनाक है। खतरनाक? यानी इसकी नाक में खतरा है, हम इसकी नाक काट देते हैं। महाराज महाराज, आपकी जिंदगी प्रजा के लिए बहुत जरूरी है, ये शेर आपको हाथ खा जाएगा। तुम ठीक कहते हो सेनापति, हमारी जिंदगी प्रजा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी तो जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो तुम जाके शेर को पकड़ लो। महाराज जाओ, तमिल हो। महाराज महाराज, तस्वीर आपको मेरी बहुत जरूरत है, मैं शेर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें शेर की बहुत जरूरत है, हम इसके नाखून का हार बनाएंगे, इसके मूंछों का टूथब्रश बनाएंगे। अरे पकड़ है सेनापति जी। महाराज ये भाग क्यों गया? महाराज किसकी हिम्मत है जो ज्यादा देर आपके सामने खड़ा रहे। महाराज शायद वो आपको पहचान गया। इसका मतलब है शंकर भी पहचानेगा तो भाग जाएगा। हाँ महाराज। तो क्या करें? पुलिया बदल ली। ठीक है, पुलिया बदलने के बाद भी हम महाराज रहेंगे और तुम होगे सेनापति। हाँ पति। चलो शंकर को ढूंढे। पधारिए पधारिए। राम राम मंत्री भैया। राम मैना। अरे दीनू चाचा, आज इतनी सुबह दुकान पर? 12 साल बाद कुंभ का मेला आ रहा है, माल तैयार करना है, अच्छी कमाई हो जाएगी। तू भी तो मेले में जा रही है धनों को लेकर। अपन का क्या भरोसा दीनू चाचा, आज यहाँ तो कल वहाँ, जिधर किस्मत ले जाएगी चले जाएंगे। लेकिन दो दिन तक किस्मत तुझे लेकर कहाँ चली गई थी, कहाँ थी अब तक? भाई लोगों ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया था, इसीलिए मजमा लगाने को बना करता हूँ। ये सब तेरा काम नहीं है, पहुँच गई ना हवालात में। तो क्या हुआ, वहाँ बड़ी इज्जत होती है बाबा, लोग सलूट मारते हैं, अच्छा खाना अच्छा पीना, कोई फिक्र की बात ही नहीं। लेकिन लेकिन वो जो बिरजू है ना, बेकार में परेशान हो रहा था। बिरजू कहाँ है वो? अभी तो बाहर है, मैं उसे अपने साथ अंदर ले गई थी। हाँ तूने उसे भी फंसा दिया। बेटी उसे तंग मत किया कर, वो बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का है, और फिर उसका दुनिया में कोई है भी तो नहीं। भगवान तुझे सुखी रखे माँ। बाबा प्रार्थना करो मेरा शेखर जल्दी लौट आए। अवश्य। उस्ताद। अरे 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 अरे। ये कथा का
सामने चोरी करता है। चल माफी मांग, माफी। ए, तेरे बाप का माल है क्या? ला इधर ला। ये लीजिए माँ जी। तेरा बड़ा उपकार है बेटे, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। धीरे धीरे रखिए माँ जी, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए ना। बेटा यही मेरा घर है, भगवान तुझे सुखी रखे, बड़ी कृपा की। आप इस घर में अकेली रहती हैं? नहीं बेटे, तेरे जितना बड़ा मेरा भी एक बेटा है, शेखर, पुलिस इंस्पेक्टर है। कुछ दिन पहले ड्यूटी पर चला गया, अभी तक नहीं लौटा। पुलिस वालों की नौकरी ऐसी होती है माँ जी। हाँ बेटे, जान हाथ पर रखकर काम करना पड़ता है। बेटा तू भी उसे जरा ढूंढ लेना। फिक्र मत कीजिए माँ जी, वो जरूर मिल जाएगा। और फिर बिरजू की दुकान के सामने तो सारी दुनिया गुजरती है। बिरजू? मेरा नाम है। बहुत अच्छा है। अच्छा माँ जी मैं चलूं? बेटे कभी कभी आया करना, जब तक शेखर नहीं आता तेरा सहारा हो जाएगा। जरूर आऊंगा। अच्छा बिरजू, मैं बाहर और दरवाजा अंदर से बंद। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। काहे को चिल्ला रहा है? मैं हूँ। तू? तू क्या कर रही है यहाँ? सो रही थी, और अकेली करती भी क्या? मेरे घर में सो रही थी, मुझे बदनाम करना चाहती है। चल बाहर निकल, मैंने कहा ना तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, चल। बस क्या, देख तेरे लिए खाना लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरा खाना वाला, चल बाहर निकल, निकल बस। तेरी मर्जी, वो तो बाबा ने कहा था इसलिए चली आई। ठीक है, खाना भी ले गई। सुन मैं ना, तेरे बाबू ने भेजा है ना? अरे भेजा है तो मैं खा लेता हूँ। ला ना खाना, ला। बस क्या, आ गया ना रास्ते पर, ले खा। ओए होए, तुरी की भाजी। कोई तोड़ फोड़ नहीं करना, और वैसे भी ये सब तेरे समझ में नहीं आएगा। आरट का माल है, आरट का खात आरट है। दो दो रुपए की मूर्ति बनाता फेंकता है, सुना नहीं जो मूर्ति चोरी हुई है वो 50 लाख की थी। अरे बनानी है तो ऐसी बना। ऐसी मूर्ति? एक दो आजा आ गया। आजकल तुम्हारी किस्मत का सितारा तेज है परवीन भाई। अरे उड़ो, बस माल आ ही रहा है। अरे तो पत्ते में बहुत हारा भी तो हूं ना मैं। कितना हारेला है परवीन भाई, अभी तो तुमको 3 लाख रुपए का लॉटरी लगा। तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रतापगढ़ वाली मूर्ति तुम्हारे ही पास है रे बाबू। मेरे पास कोई मूर्ति नहीं। मूर्ति? मारी ना क्या प्रवीण भाई ने? तो वो मूर्ति आपके घर में है? इंस्पेक्टर साहब मूर्ति वो मेरे घर में कांता बहन के सिवा और कोई मूर्ति नहीं। इंस्पेक्टर साहब ये लोग तो सब मजाक कर रहा है। मैं भी तो मजाक कर रहा था। क्या मैं जानता नहीं कि प्रवीण भाई को अगर मूर्ति का पता चले तो हमें फौरन खबर कर देंगे। जरूर कर देंगे खबर, हमको क्या मूर्ति तिजोरी में छुपा के रखना है क्या? लेकिन आप इधर क्यों आए? अरे हाँ आपको खबर करने आया, आपका वो जो नौकर गहने लेकर भाग गया था परसों। हाँ हाँ वही पकड़ा गया। पकड़ा गया? हाँ, आप पुलिस स्टेशन आकर अपने गहने वापस ले जाइए। पुलिस स्टेशन? थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। काका खोया हुआ माल भी मिल गया। सेठ जी काका क्या किस्मत है। थारो बाबा,
अरे ठहर 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 ठहर, अरे सेनापति, अरे उठो सेनापति, देखो हम क्या लाए। अरे जागो सेनापति, देखो, अरे देखो गांव महाराज। अरे महाराज, महाराज आप तो शेर पालने वाले थे, ये नंदी बैल कहाँ से ले आए? नंदी बैल नहीं, ये गाय है। गाय है, लेकिन महाराज आप इसे लाए कहाँ से? चोरी करके सेनापति। वो रही मेरी धन्नो। पकड़ लो इन बदमाशों को। महाराज महाराज भाग लीजिए, भाग लीजिए, चार चार आइए महाराज, आइए आइए ना महाराज, भाग लीजिए, जान बचाइए, मैं तो जान बचाता हूँ। चोरी करता, पकड़ ले इसे। बाबा तुम मेरी गाय क्यों ले आए? बेटी हम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, हमें से कुछ पूछना है, इसलिए हमसे यहाँ ले आए। तुम्हें पैसे चाहिए ना बेटी? हमारे पास पैसे तो है नहीं, तुम ये ले लो, लेकिन हमें से कुछ पूछने दो। बाबा तुम बहुत भोले हो, ये गाय कुछ नहीं बताती। नहीं नहीं, ये तो हमारा धंधा है, इसे रखो बाबा। क्या क्या देख रहे हो बेटी? ये गुड़िया तुम्हारी है? हाँ, ये बिल्कुल मेरी है, मेरी है। ऐसे लगता है बाबा मैंने इसे कहीं पहले देखा है। अच्छा, बेटी तुम्हें पसंद है? ये लो बेटी, इसे तुम रख लो, लेकिन याद रखना बेटी, इसे हमने अपनी बेटी की तरह पाला है, इसे कोई तकलीफ नहीं देना। नहीं दोगी ना? नहीं बाबा। चल रे धन्नो। महाराज। हाँ। क्या हुआ? सेनापति हमें पुराना जमाना याद आ रहा है। अरे महाराज पुराने जमाने को भूल जाइए, नए जमाने की बात कीजिए, हमें अभी शंकर को ढूंढना है। शंकर को? हाँ हाँ, शंकर शंकर शंकर, ये शंकर शंकर। लीजिए महाराज घुमाइए। 5 5 3 3 2 2। हेलो 5 3 2 6 3 9। नंबर बोलता है? अरे हमको नंबर नहीं मालूम होता तो जो फोन कैसे करता शंकर? क्यों? नहीं साहब, मैं उनका बहरा बोल रहा हूँ, अभी बुलाता हूँ। बहरा भी है और सुनता भी है पागल। सेनापति शंकर अब हमारी मुट्ठी में है। महाराज मुझे दे दीजिए, मैं इसका पुलाव बनाकर कुत्तों को खिलाता हूँ। महाराज ये तो भौंकता है, भौंकता है। इधर लाओ। अरे आवाज बदलता है। सेनापति। जी महाराज। शायद ये मैं पहचान गया। हुँ? तुम दूसरा नंबर लगाओ और खुद बात करो। हेलो जी, वो बाहर गए हैं। बाहर गए हुए हैं तो क्या हुआ, हम उनको अंदर कर देंगे। महाराज ये तो कोई औरत बोल रही है। औरत? हाँ मैं तो, हमने जिंदगी में किसी औरत के साथ टेलीफोन पर बात नहीं किया। नहीं किया? आप औरत हैं? जी हाँ, वो मेरे पति हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास भी पति है, लेकिन वो चोर नहीं। तुम्हारा पति चोर है, हम उसे झूमर तलिया की जेल में डाल देंगे। क्या बात है, मैं शंकर का बाप बोल रहा हूँ। पहले कुत्ते की आवाज में बोल रहा था, अब बाप की आवाज में बोल रहा है। व्हाट नॉनसेंस इडियट। अरे निकालो इनको बाहर। महाराज ऐसे लगता है ये सब शंकर के साथी हैं, शंकर को बाद में ढूंढेंगे, अभी यहाँ से निकल चले। सेनापति हमें वो जमाना याद आ गया जब हमारे राज में बगावत हुआ था और हम राज की लगाम जनता के हाथ में दे दिया करते थे। ये लो, दे दो महाराज, दे दो, ये लो, निकल चलो जल्दी। फोन कैसे करेंगे?
बेवकूफ है ये क्या? अरे बगावत, अरे जवान कर दे ऐलान, सारा जहान हो जाए सावधान, एक सेनापति एक महाराज, छोड़कर अपना काम कर निकल पड़े हैं आज। क्विक मार्च, मार्च अप्रैल मई जून, गली गली में घुसकर, गली गली में घुसकर हम ढूंढेंगे छुप छुप कर, मार के मुर्गी तोड़ के अंडे, मार के मुर्गी तोड़ के अंडे, इस संडे या अगले संडे, बॉम्बे पूना पूना दिल्ली, पकड़ेंगे तुझे बन के बिल्ली, गिली 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 गिली, कहाँ जाएगा चूहे बच कर, कहाँ जाएगा चूहे बच कर, ये गली गली में घुस कर। हो नीचे आ जाएगा तू थक कर, आम गिर जाता है बेटे पक कर, यो हो आम गिर जाता है बेटे पक कर, क्योंकि तू आम है हम चाकू है, तू चोर है हम डाकू है, तू आम हम चाकू, तू चोर हम डाकू, तू बेटा हम बापू, तू सीटी बापू 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 बापू, कहाँ जाएगा बापू बच कर, हे बापू हे बापू हे बापू, कहाँ जाएगा बच्चू बच कर, हे गली गली में घुस कर। तो काम हो जाए मेरी रानी, पर जाओ सैया मैं ना कहूंगी, जाओ सैया मैं ना कहूंगी, चाहे कितना मनाओ चाहे पढ़ो मेरी मैया, जाओ सैया मैं ना कहूंगी, जाओ सैया मैं ना कहूंगी, तेरी ना 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 में हम दोनों देखो जाए कहीं ना मारे, हाँ मारे पानी सारे सनी सारे सारे सारे, देखो जाए कहीं ना मारे, हो ना मारे, चाहे मुंह से ना तू बोल बोल, पर कर दे हमें इशारे, हाँ इशारे, हाँ जरा वो बात बता दे, हाँ हमें उसे मिलवा दे, हाँ जरा वो बात बता दे, हाँ हमें उसे मिलवा दे, ले ले हमसे वादे, हाँ न बदलेंगे इरादे, हाँ जलती शम्मा की कसम, जलती अम्मा की कसम, तेरी बेटी की कसम, तेरी बेटी की कसम, सेनापति की कसम, रे तेरे राज्य की कसम, तेरे तबले की कसम, हाँ तेरे बाजे की कसम, हे धिक 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 धगड़ान धगड़ान।
सेनापति? महाराज बगावत? नहीं महाराज हमला। फिर क्या करें? निकालिए। निकाला? ये नहीं महाराज। फिर क्या निकाले? एटम बम। हो गिली 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 हमारी परवीन भाई सुन ले बात हमारी परवीन भाई तेरे घर में उसी की परछाई तेरे घर में उसी की परछाई बात तूने कोई कर छुपाई बात तूने कोई कर छुपाई तो तेरा सर मूंड देंगे हम दोनाई तेरा सर मूंड देंगे हम दोनाई नमस्ते नाजुक भाभी ओ भाभी ओ भाभी नमस्ते नाजुक भाभी तिजोरी की दे चाबी दे तिजोरी की दे चाबी अगर जो ना दी चाबी अगर जो ना दी चाबी तो होगी खाना खराबी होगी खाना खराबी होगी खाना खराबी तूने जाना नहीं हमें पहचाना नहीं हाँ तुम चींटी हम मच्छर तुम फूल हम पत्थर तुम तेल हम अत्तर तुम साठ हम सत्तर इकहत्तर बेहत्तर तिहत्तर चौहत्तर 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 सत्तर साठ चालीस बीस सत्रह खतरा 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 काम जाएगा बच्चू बच कर अरे कांता कांता मूर्ति ये तो वही चोरी वाली मूर्ति है ना एक आशिक की तरफ से जन्मदिन का तोहफा लेकिन ये मूर्ति तेरे पास कहाँ से आई अरे तेरे लिए तो आसमान से तारे तोड़ के ले आऊं फिर ये क्या चीज है फिर जो ये बहुत खतरनाक चीज है चोरी की मूर्ति इसके लिए दो दो खून हो चुके हैं पुलिस इसकी तलाश में है नहीं नहीं अरे डरपोक रख ले इसे नहीं चाहिए मुझे रख इसे अपने पास ये तोहफा दे दिया मुझे नहीं चाहिए मैंने कहा ना रख ले तब से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं हमको हाँ चलो पुलिस स्टेशन साहब ने बुलाया लेकिन साहब हमको क्यों बुला रहा है इसको लेके जाओ ये खाली बैठा है नहीं नहीं साहब हमको बिल भरने का है इसे ले जाओ ना साहब बिल हम भर देगा इसको लेके जाओ लेकिन साहब पुलिस स्टेशन में बड़ा साहब ने इसको बुलाया साहब आज हमारा बर्थडे है साहब और हम जरा खाना वाना खा लेगा चलो जल्दी तोहफा फंसवा दिया ना किसी को नहीं पहचानती साहब किसी को नहीं पहचानती साहब सच्ची किसी को नहीं पहचानती किसी को नहीं पहचानती इधर आओ जाओ ना जाओ मैं देखता हूं जाओ 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 ठीक से पहचान के बताओ वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें मजमा लगाने के लिए रुपए दिए थे मगर वो आदमी है ही नहीं तो कैसे पहचानूं साहब अच्छी तरह से देखो शायद तुम भूल कर रही हो मेरी तरफ क्या देख रही है वहां देख कहीं गलत सलत नहीं बता देना ठीक ठीक इनमें तो कोई नहीं है साहब ठीक है ले जाओ ना तुम लोग भी जा सकते हो चल चल फोट ठहरो इधर आओ अब क्या है साहब वो क्या हुआ साहब क्या हुआ क्या हुआ ये पैकेट रह गया क्या है इसमें 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 कुछ नहीं है साहब कुछ नहीं कुछ नहीं साहब कुछ नहीं अच्छा बताओ क्या है इसमें साहब इसमें इसमें मुर्गी है साहब मुर्गी हाँ साहब इसमें तंदूरी मुर्गी है इसके बाप को मुर्गी बहुत पसंद है ना बहुत इसलिए होटल से पैक कराई है इसमें मुर्गी है साहब आप कुछ ही आप ले लो नहीं नहीं बाप को लाना चाहते हो पुलिस ऑफिसर को गेट आउट जल्दी भी ले जाओ सलाम साहब चलो ये ले रख इसे अपने पास आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म प्यार खत्म रिश्ता खत्म सब खत्म खबरदार जो मेरे पास आया बस बहुत हो गया बस क्या ए माना ए अरे अरे इसमें रूठने की क्या बात है
भूल गई, तेरी वजह से मैंने दो दिन हवालात में काटे। बस दो दिन ना, तू तो मुझे जिंदगी भर के लिए अंदर भेजने वाला था। अरे किसकी हिम्मत है जो मेरी बुलबुल को अंदर कर दे। ना बाबा ना, चोर से अपना कोई वास्ता नहीं। और तो और वो इंस्पेक्टर भी बार बार पूछ रहा था कि इस पैकेट में क्या है, कहीं खोल के देख लेता तो मेरे हफ्ते भर की मेहनत पर पानी फिर जाता। क्या मतलब? किसी को बोलना नहीं, ये मूर्ति चोरी की नहीं है। चोरी की नहीं है? फिर काहे की है? ये मैंने बनाई है। तूने बनाई है? तू कर का आदमी और ये हीरे जवाहरात सब नकली। भिंडी बाजार से 4 रुपए 12 आने के लेके आया था। सच्ची? क्या? अरे अकल के दुश्मन तू क्या समझता है, ये नकली मूर्ति बना के तेरी भी किस्मत खुल जाएगी। वारे वारे। अरे मेरी मैना किस्मत नहीं खुलेगी तो पैसे का रास्ता तो खुलेगा। पैसे का रास्ता? वो कैसे? देख असली वाली 50 लाख की थी, वो तो चोरी हो गई। इसे हम किसी को भी 25,000 में बेच सकते हैं। 25,000? अरे बिरजू, मैं हमेशा सोचा करती थी कि हमारी एक लंबी सी गाड़ी होती, गाड़ी में बैठकर हम दोनों एक आलीशान होटल में जाते। होटल में खूबसूरत सा कमरा, कमरे में फर्स्ट क्लास बाथरूम, बाथरूम में बढ़िया बाटा, बाटा में ठंडा गर्म पानी, और बिरजू पानी में तू और मैं, और फिर बस 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 बस। अगर ये सब करना है तो जल्दी से गिराक पकड़ के ले आ। नहीं बिरजू, ये तो फ्रॉड है, और फिर इसमें कितना खतरा है। अरे पगली, जिंदगी में आदमी को रिस्क लेना ही चाहिए। वाह वाह वाह, बड़ा शाना है, खतरे का काम मुझे देता है, तू क्यों नहीं ढूंढता? अरे तू जानती है ना, मैं सारा दिन अपनी दुकान में बैठा रहता हूँ। तू अपनी गाय को लेकर सारा शहर भर घूमती रहती ना, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बोल ठीक है ना? तू कहता है तो ठीक ही है। इसका मतलब है कि मूर्ति उसी गाड़ी में होनी चाहिए। क्या नंबर था उसका? नंबर तो मैं देख नहीं सका बॉस, लेकिन वो लाल कलर की गाड़ी थी। यू डैम फूल, आई हुई मूर्ति हाथ में से निकल गई। शंकर, अगर वो मूर्ति मुझे नहीं मिली ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जाओ और उस गाड़ी को तलाश करो, तलाश करो कहीं कभी। आप हे देवी, ये सब तुम्हारी कृपा है, देवी सब तुम्हारी कृपा है। परवीन भाई को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, परवीन भाई पे अपना हाथ रखना। कोई मरी क्यों? नहीं ना कू, कौन मरी क्यों? मारा ससुरा गुजरी गया। तारा ससुरा गुजर गया? तारा ससुरा थे मेरे बाप? कौन बोला? तार आया छे। तार पड़ा? नहीं। ओहो तो तार पढ़ तो लो। Arriving flight 1230 जय किशन। ओहो कांता, आ तो जय किशन का तार है। जय किशन कौन छे? जय किशन मारा मोटा भाई, अमेरिका थी आवे छे। तुम्हारा मोटा भाई? हाँ। मतलब मारा जेट आवे छे? तारा जेट आवे छे, जेट थी आवे छे, जेट थी आवे छे। पधारिए। What a lousy entrance! Is 7th squad me Praveen bhai idhar rehte? Haan sir ji. Shit ji, tum humko gaali diye? No no no, sir ji ka matlab hoa big boss. Hey boy, that's right, I'm the big boss. Yankees coming home. Wow. Praveen. Kaun hai bhai? Kaun mangta hai aapko? Mota bhai? तमें? लेकिन आप ऐसा बदल कैसे गया? ये आपके बालों को क्या हुआ? ये आपकी आंखें? बैकवर्ड बैकवर्ड, पुराना हजावत। ओह गॉड, पुराना ख्याल है। हमारा देश कंट्री समर में नीला आंख, विंटर में काला आंख, चश्मे की जरूरत नहीं। नो। अच्छा अच्छा, तो मॉडर्न चश्मा लगाया आपने। अरे 13 साल के बाद आया है भाई, जरा गले तो मिल ले। Oh God, God, क्या कर तो tickling, good good day. Now under चलाएं? चलो जय किशन भाई। जय किशन नो, जैक्सन जैक्सन, अंडरस्टैंड? अच्छा अच्छा जैक्सन yeah. भाई आओ। Come on, yeah. Now what's this? What you doing? Fire brigade, bells ringing. Shudu, क्या हुआ?
इफ्रित लेडी हमको जलाने मांगता, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक। मोटा भाई ये तो आपकी आरती उतारती है। क्या उतारती? आरती? ये तो इधर का कस्टम है। कस्टम? एयरपोर्ट पे कस्टम, घर में कस्टम? नहीं नहीं, ये तो हमारी पुरानी संस्कृति है, ओल्ड कस्टम। आई गेट यू, आई सी, बट हु, कौन है ये फैट लेडी? लेडी नहीं, ये तो कांता बहन है। बहन? यू मीन पिताजी अगेन वापस शादी किया? नहीं नहीं, ये तो कांता है, कांता मेरी बाईड़ी, मेरी धर्मपत्नी है। Oh, my sister-in-law, Bobby. Yes, I remember. Yada. तो शादी की है? जा जा, मोटा भाई ने चरण छू। Oh, thank you, sweet sister-in-law. May God bless you. आपको तुम्हारा जैसा बहुत बच्चा होए। देखो, मुआ क्यों करे छे? अरे नहीं कांता, तारा जेठ तो अमेरिका थी आव्या है ना, तो उधर का कस्टम करता है। हाँ अच्छा देखो, तुम हम दोनों के लिए मसाले की चाय बनाओ, मोतीलाल मसाले की। हाँ मैं बड़े भैया को जरा ऊपर पहुंचाता हूँ। आइए, कम ऑन। मोटा भाई मैं बहुत खुश हूँ, आठला वर्ष के बाद आप छोटा भाई को मिलने को आया। Oh, don't get hurt. बुरा मत मानो। हम तुमको मिलने नहीं आया। हाँ माया, एक मूर्ति का वास्ता है। मूर्ति? कैसी मूर्ति? You know, तुमको मालूम है पब्लिक सर्किट हाउस में से एक कॉस्टली मूर्ति चोरी हुआ। मारी ना क्या? लेकिन तुमको कैसे मालूम कि हमारे को मालूम है? सबको मालूम, the world knows. लेकिन वो मूर्ति सबसे पहले हमारे पास आएगा, and you, तुम हमारी मदद करेगा। हम कैसे मदद करेगा? ये तो चोरी का माल है, पुलिस, बड़े बड़े बदमाश सब उसके पीछे हैं। मोटा भाई आप ये बात भूल जाओ, भूल जाओ। Coward, डरपोक, भूल जाओ। Never, never, never. तुमको मालूम नहीं, हम जेम्स बॉन्ड का 3 साल असिस्टेंट, गॉडफादर का ग्रैंडफादर, हम मूर्ति को कहीं से भी निकालेंगे। Amazing, amazing. Benji Kao, Jyotish ka mafik. Excuse me, lady, hum sawal puchne chahte. Haan, haan, puchho saab. Sawal kuch private hai. Kaan mein puchne sakte? Baba, puchho, kaan mein puchho. Thank you. Ouch, oh, wild cow, ekdam jungle ka mafik. Oh. Hey, saab. धन्नो को कुछ मत बोलना, हम सोचा तुम हमारे कान में पूछेगा। धन्नो तो सिर्फ हमारी बात समझती है। Oh, I see. बोलो, I'm sorry. क्या पूछना है? हमारा क्वेश्चन कुछ प्राइवेट है। हम जो मूर्ति को ढूंढता वो हमको मिलेगा? मूर्ति जो चोरी हो गई? सरप्राइज, सरप्राइज। तुमको मालूम, तुम्हारा काउ को भी मालूम? हाँ हाँ, उसके पीछे दो दो खून हो गए हैं, पुलिस उसकी तलाश में है। yes. वही मूर्ति हमको मांगता, हम उसके वास्ते तो हिंदुस्तान को आया। वो मूर्ति तुम्हें मिल सकती है, लेकिन कोई लफड़ा नहीं मांगता। लफड़ा? ओह, यू मीन ट्रबल? नो ट्रबल एट ऑल, प्रॉमिस। देखो, तुम हमको फोन नंबर दो, हम तुमको फोन करेगा। या दैट्स अ गुड आइडिया, फोन नंबर, डू आई हैव इट? या हियर इट इज, जैक्सन दिस मी, 581362, फोन करना। जैक्सन, 581362, ठीक है, फोन करेगा। हेलो, कौन बोलते? मूर्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मच? कितने पैसे? साहब, 25,000 मूर्ति के लिए और 25,000 हमारा कमीशन। ओके, लेकिन हम उसे एक डॉलर, मेरे मतलब एक रुपया भी जास्ते नहीं देंगे। बस क्या, अच्छी बात है,
ठीक आधे घंटे के अंदर इस पते पे पहुंच जाओ। ओके। मारीना क्या? मोटा भाई, वो तो मैं तुम्हारी भाभी के साथ थोड़ा मजा कर रहा था। ओ, तुमको जो मांगते करो, आई डोंट केयर। तुम जल्दी से बाहर आओ, आउट। अभी कल सवेरे को बात करेगा तो नहीं चलेगा मोटा भाई? Now, it's very important, but the ruri come. Bobby, sister-in-law, I'm really sorry. Rukawat ke liye maafi mangta hai. Foreign, follow me. Quick. हमें तो जमूज पर से परवीन भाई जाना ही पड़ेगा। तुमको तो पहले ही बोला था दरवाजे ना कुंडी मारो, ना तुम सुनता ना तुम्हारा भाई सुनता। ओ कम ऑन, जल्दी करो, हमको देरी होते। लेकिन जैक्सन भाई, आटली रात गए, आपको किस बात का देरी होता? लिसन, आई वांट सम मनी, मेरे को पैसा चाहिए। अच्छा अच्छा मोटा भाई, लेकिन कितना पैसा चाहिए? 50,000? नो, आई वांट 51,000 रुपीज, 51,000 रुपये। 51,000? नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं 50,000 दूंगा। Now get the 50,000, जाओ जल्दी जाओ, 50,000 पे get run। Bloody miser, एकदम कंजूस है। 50. Come on, hurry up, जल्दी करो। आता हूँ। एलो मोटो भाई। की थैंक्स ब्रदर। देखो, हम तुमको बताता, तुम किसी को नहीं बताना, हम प्रतापगढ़ वाला मूर्ति लेने जाते हैं। मूर्ति? लेकिन वो तो ऊपर ऊपर वाला ही जानता है कि किधर है। आपको मूर्ति नहीं मिलेगा मोटा भाई, आपको जरूर कोई फंसा रहा है। मेरा 50,000 रुपया भी चला जाएगा, पैसा वापस लाओ। नाउ डोंट बी अ फूल, हम प्रॉपर इंक्वायरी किए, ये मूर्ति 50,000 रुपए में डैम चीप, इट्स फ्री, बाय, हम मूर्ति लेके आते। लेकिन तुम किधर जाता? इधर कोई जगह है बोरीवली। बोरीवली? यस, उधर एक खंडर है। खंडर की? मोटा भाई, वो तो बहुत खतरनाक जगह है। वहां हम एक लड़की को मिलने जाते। लड़की भी? चाओ। मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, गाड़ी मत ले जाओ। तुम मूर्ति लाए? माल लाया? Yeah. इसमें है। What a beauty! कितना खूबसूरत, एकदम असली। हाँ हाँ साहब, असली है, बिल्कुल असली है। हाँ, माल निकालो। Now, ये चोरी का माल है, stolen property। अगर तुम पैसा मांगेगा, हम पुलिस को बोलेगा। Bye, bye. ए साहब, तुम धमकी देता है, ला मूर्ति। ओ देते देते। little baby, हम तुम्हारा माफी बस चोर देखे। तुम नया चोर, हम महाचोर। बैक बैक, पिछवाड़े पिछवाड़े। हम किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड जेम्स बॉन्ड के साथ 9 years काम किया। तुमने जेम्स बॉन्ड के साथ काम किया है, लेकिन हमारे साथ नहीं। हमने तुम्हारे जैसे बहुत सारे साहब बहादुरों को ऊपर पहुंचा दिया। क्यों? हाँ, बट हुआ यू, कौन है? बदतमीज, तुम हमें नहीं जानते। हम सुल्ताना डाकू हैं। सुल्ताना डाकू? My God, that famous man! Oh, well, lady, I was beginning to understand. हम पैसा लाए इसमें, 50,000 रुपीस, 50,000 रुपया गिन लीजिए। महाराज,
जंगल मंगल सब ढूंढ मारे, लेकिन शंकर का तो कहीं पता ही नहीं। मिल गया। कौन मिल गया? शंकर मिल गया। कहाँ है महाराज? वो इसी गाड़ी में गया था। महाराज आपको अच्छी तरह याद है कि वो इसी गाड़ी में गया था? सेनापति हम शंकर को भूल सकते हैं लेकिन शंकर की गाड़ी को नहीं। महाराज की मूर्ति चोरी करता है, जाओ नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी खोपड़ी में खिड़की बना दूंगा। खिड़की नहीं सेनापति, दरवाजा। हाँ महाराज दरवाजा। ओके ओके, तुम गन निकालो, पिस्तौल निकालो, हम देते हम देते हम कौन कुछ तुम्हारा हम मूर्ति देते छोड़ो हम देते यस हम मूर्ति देते महाराज। हमारी तलवार की तरह हम इसे सजाए मौत देंगे। महाराज महाराज लेकिन पहले इसे शंकर का पता कर ले। बताओ कहाँ है शंकर? कहाँ है शंकर दादा? I didn't know any शंकर दादा। फिर तुमको ये मूर्ति किसने दिया? हम ये मूर्ति $7,000 $50,000 देके सुल्तान डाकू से लिए। सुल्तान डाकू? लेकिन वो तुम्हें मिला कहाँ? मिला कहाँ? कहाँ रहता है वो? I don't know. लेकिन हम उसका एक स्नैप लिए। स्नैप? उसको चाटा मारा? No. हम उसको फोटोग्राफ किए कैमरा से। हम इधर लाओ ये कैमरा भी हमको दे दो। ओके आपके पास मूर्ति है, आपके पास कैमरा है। कैन आई गो नाउ? हम जा सकते हैं? सेनापति जी महाराज उसको पेड़ के साथ बांध दो, इसका फैसला हम दरबार में करेंगे। जो आज्ञा महाराज। नो महाराज फिर आगे नहीं लिए। ओ प्लीज ओ जेम्स बॉन्ड मैं क्या करूं? महाराज अब ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं इसे ले जाकर महल में रख देता हूं। ठहरो सेनापति, हम महाराज हैं, हम स्वयं इसे अपने महल में रखेंगे। लेकिन महाराज ये तो सेनापति का फर्ज है, मैं जाके रखता हूँ। तुम हमें फर्ज सिखाते हो, इसे मुझे दो। महाराज मैं सेनापति हूँ। मैं महाराज हूँ। मैं सेनापति हूँ। मैं महाराज हूँ। मैं सेनापति। मैं महाराज हूँ। अरे महाराज के बच्चे, अरे महाराज को धक्का मारा, हुलिया बदलते ही नियत बदल गई। मूर्ति यहां कैसे आई? इस फोटो को अच्छी तरह देख लो और अपने सारे गैंग को दिखा दो, हमें इस आदमी की सख्त जरूरत है। ये किसकी तस्वीर है बॉस? जो मूर्ति 12 साल के बाद फिर से चोरी हुई वो इसी आदमी के पास थी। मुझे यकीन है कि इस आदमी के जरिए मैं अपने भाई के कातिल तक पहुंचाऊंगा। तुम भी इसके बारे में होशियार रहना। रखो रखो ये ले। अरे 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 मैं ना बस कर ये जो तू पी रही है ना बहुत खतरनाक चीज है, एक बार चढ़ गई तो उल्टा सीधा करके उतरेगी। देख बिरजू आज मुझे सारे शौक पूरे कर लेने दे, इतना पैसा कोई बार बार थोड़ी आता है। ले तू भी पीना। अरे सारा कमाल तो तेरी मूर्ति का है, पीना। कितनी बार कहा मूर्ति का नाम मत ले मत ले। कितनी बार कहा बियर मत पी मत पी मत पी, लेकिन बात समझ तेरी। अब तेरा दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं? अरे बिरजू बड़ा मजा आ रहा है, तू भी आ जाना। ये क्या कर रही है? अरे ये क्या कर रही है? देख रही लोग देख रहे हैं। ओ चुप कर, मैं कहता हूँ चुप चुप चुप। हाय स्वीटी हाय हाय। मेरा सारा चल बस। क्या क्या बोले? हाय क्या बात, ब्यूटी क्या बात। चीटी किसको मारा? किसको चीटी मारा? जानता लड़की कौन है? ये लड़की मेरी मंगे। ए नंगूर हाथ चो, नंगूर मत मिलो हाथ चो। पहले चेक योर फोटो। ये क्या कर रही है? किसी का भी हाथ पकड़ लेती है। हे मैन व्हाट आर यू अप टू? क्या बोला? एक तो मेरी लड़की का हाथ पकड़ा, ऊपर से अंग्रेजी में बात करता है। ही इज वेरी रूड मैन। तेरी तो मैं रूड। ए बिरजू देख तेरी मेरी जम नहीं सकती,
अगर मेरे दूसरे चाहने वाले हैं तो तू जलता क्यों है? हाँ फोटो लो। क्या? क्या अरे फोटो लेकर तो तक तेरी परेड कर दूंगा। लंगूर अंग्रेजी में बात करता है, फोटो लेगा, फोटो लेगा तेरी में परेड। अरे मेरा तेरा लंगूर क्या कर रहा है? सके तो कर लो मुझसे प्यार सरकार थोड़ा थोड़ा, अरे हो सके तो कर लो मुझसे प्यार सरकार थोड़ा थोड़ा। तेरी जवानी जिसे प्यार से तू सजा ले, किस काम आएगी तेरे ये आखिर मेरे नाम पे ही लगा दे। जीवन में एक बार आए जवानी मैं तेरे लिए क्यों गवा दूं, इतने बरस मैंने इसको संभाला मैं कैसे ये तुझ पे लुटा दूं। हर मुझसे मिलकर तेरी जवानी पे आएगा निखार सरकार थोड़ा थोड़ा। सुना था मोहब्बत में मुझको मेरी जान मरना भी होगा, जिस प्यार में जान देनी पड़ी मेरी उस प्यार से तौबा तौबा। जान हथेली पे जो रख के उसे मिलेगा प्यार सरकार थोड़ा थोड़ा। कर लेने दो मुझको सोच विचार सरकार थोड़ा थोड़ा। खबरदार चुपचाप बैठे हो। अच्छा तो बताओ कि वो मूर्ति कहाँ है? मूर्ति? कौन सी मूर्ति? अरे तू मूर्तियां बनाता है ना, ये शायद खरीदना चाहते हैं। ओहो ये बात है, तो फिर आपने इन पहलवानों को क्यों भेजा? ये मूर्ति की बजाय हमें उठा लाए। बकवास बंद करो, मैं उस मूर्ति के बारे में पूछ रहा हूँ जो सर्किट हाउस से चोरी हुई थी। चोरी? आप चोरी कमा रखते हैं? अरे रखते होंगे, तुझे क्या, ये देख इतनी बड़ी मूर्ति ये भी चोरी की लगती है। हाँ तभी चोरी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो, कहाँ है वो मूर्ति? साहब हमको नहीं मालूम। शंकर इनकी याददाश्त जरा ठीक कर दो। बिरजू ये गंजा तो बहुत खतरनाक लगता है। लगता है इसे हजामत का भी शौक है, टकला है ना। बोल दे सच सच बोल दे। अरे साहब मुझे याद आ गया, सब याद आ गया, वो तो मैंने नकली मूर्ति बनाई थी। हाँ हाँ साहब हाँ। नकली मूर्ति? क्या बकते हो तुम? हाँ 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 साहब हाँ, और बेच भी थी 50,000 में। 50,000 बोलता है बॉस, नकली मूर्ति को कोई 50,000 रुपए देगा? अरे जैसा गिराक वैसा धंधा। बकरा मोटा होना तो कांटे में मजा आएगा। किसको बेची थी मूर्ति? वो हाँ जैक्सन को, कोई बाहर से आया था। बाहर से? रहता कहाँ है? वो तो नहीं मालूम साहब, खाली टेलीफोन नंबर दिया था। ऑल राइट, टेलीफोन नंबर क्या है उसका?
याद नहीं साहब, बिजु तुझे याद है? नहीं वो तो मैं, हाँ मेरी लाल पैंट की जेब में है साहब, हम लोग कभी लेके आते हैं। हाँ आप यहीं रहिएगा, जाएगा मत। छेड़ा, go back here, कोई जरूरत नहीं जाने की, नंबर मेरे आदमी ले आएंगे। Jackson 581362. इधर तो कुछ नहीं मिला, इस पैंट में भी कुछ नहीं मिला, लगता है उसने हमें धोखा दिया। फिर तो मूर्ति उन्हीं के पास होनी चाहिए। चलो मूर्ति। हेलो हेलो बॉस, बॉस मैं मंगल बोल रहा हूं। मंगल? कौन मंगल? ना ही पूछो तो अच्छा। कौन? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे चमचों को ये भी नहीं मालूम कि मेहमान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस मूर्ति की तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है, सौदा करना हो तो आज रात 11 बजे बोरीवली खंडर पर पहुंच जाओ। ओ, मगर इसका सबूत क्या है कि मूर्ति तुम्हारे पास है? तुम्हारा चमचा मूर्ति देख चुका है, यकीन ना आए तो पूछ लो। हाँ बॉस, मूर्ति उन्हीं के पास है। सुन लिया? ठीक 11 बजे। तुम्हारे जैसे मच्छरों को मारने के लिए रिवॉल्वर की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तो चंबू, ये क्या हुआ? वो आदमी भाग गया बॉस। नहीं बेवकूफ, जानता नहीं वो पुलिस का आदमी था? जल्दी जाकर बाहर देखो, चलो जल्दी जाओ। तुम्हें यकीन है कि मूर्ति उसी के पास है? यस सर, मैंने उसे खुद मूर्ति लाते हुए देखा है। Thank you.
जो ताश के पत्तों में उलझ कर ये भी भूल गया कि उसका एक घर भी है। जब हो जाया तो सब कुछ खो बैठा, भाई भाभी बच्चे। मंगल, तुम्हारे शेखर जिंदा है क्या? हाँ, वही तो एक मेरा सहारा है जिसके लिए मैं सब कुछ सह गई। अब वो इंस्पेक्टर है मंगल। मेरा शेखर इंस्पेक्टर बन गया। और बिजू, उस हादसे में वो मुझसे बिछड़ गया। मैंने बहुत तलाश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। भाभी, जिस आदमी की वजह से तुम्हारी मांग उजड़ गई, तुम्हारा बच्चा बिछड़ गया, मुझे तुम्हारी कसम है भाभी, मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखो, ये इस मूर्ति की उस आदमी को 12 साल से तलाश है और आज रात को मुझे वो मिलने वाला है। ये मूर्ति, ये तुम्हारे पास कैसे आई? भाभी, पुलिस मेरा पीछा कर रही, अगर उन्हें ये मूर्ति मिल गई तो मैं भैया के खून का बदला कभी नहीं ले सकूंगा। उन्हें ना पता चले कि भैया हूं। मैं देखती हूँ, तुम यही ठहरना। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मां जी, इंस्पेक्टर शेखर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। क्या? वो हॉस्पिटल में है, जल्दी चलिए। देर ना कीजिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, चलिए। सॉरी डॉक्टर साहब, इस ग्रुप का ब्लड हमारे स्टॉक में नहीं है। व्हाट? पेशेंट को खून देना बहुत जरूरी है। जाओ दूसरे हॉस्पिटल में फोन करो, क्विक, जल्दी, रश। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, मेरा खून इससे मिलता है, आप जल्दी खून देने का इंतजाम कीजिए। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आपका खून इनसे मिलता है? कहा ना, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। पर आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं। हाँ, करता हूँ। अब कोई खतरा नहीं। भाभी मैं चलता हूँ, मुझे ठीक 11 बजे उस आदमी से मिलना है। बाय लव। इंस्पेक्टर, इसने बताया कि मूर्ति कहाँ है? नो सर, मैंने आपसे कहा ना आईजी साहब, मैं मूर्ति आपको वापस दे दूंगा, लेकिन 2 घंटे के बाद। इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे ठीक 11 बजे एक आदमी से मिलना है। आईजी साहब, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज, आई गिव यू माय वर्ड ऑफ ऑनर। शट अप, डाल दो इसे। आईजी साहब प्लीज, आईजी साहब। बहुत देर हो गई, ऐसा लगता है वो अब नहीं आएगा। चल। अरे वही गाड़ी है जिसमें मूर्ति थी। अपने गाड़ी चोरी करता। अरे शंकर, मूर्ति हमें तो मिल गई। कहाँ है मूर्ति? सेनापति के पास। सेनापति? फोन किसने किया था? फोन प्राइवेट सेक्रेटरी ने किया होगा। प्राइवेट सेक्रेटरी? वो कहाँ है? वो प्राइवेट रूम में होगा। प्राइवेट रूम कहाँ है? अरे नहीं आती चकला, प्राइवेट बातों में दखल देता। बोले से क्या पकड़ लूं, मारूंगा। रंजीत सिंह, निखिल तो पागल हो गया था। अत्तार, नमक हराम, महाराज को नकाब पहना दिया, हम तुम्हारा नकाब उतार देंगे। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अकड़ा। अब बता बुड्ढे, मूर्ति कहाँ है? नहीं बताते, हम तुम्हारे बाप दादा के नौकर नहीं है, तुम हमारे नौकर हो, बताओ मूर्ति कहाँ है। अरे महाराज, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो आपकी वफादार प्रजा है। अरे छोड़ दो महाराज को।
सैल्यूट अब आज सैल्यूट करो ना भाई। अब हमें यकीन हो गया कि तुम वफादार हो, हमारे सारे कुत्ते वफादार हैं। सैल्यूट डाउन। अब हम तुम्हें बताएंगे मूर्ति कहाँ है। अवश्य बताइए महाराज, जरूर बताइए। मूर्ति हमारे सेनापति के पास है। और वो सेनापति कहाँ है महाराज, ये हम नहीं बताएंगे। देखिए महाराज, ये बड़ी ज्यादती है आपकी, राजा महाराजा जबान देकर कभी नहीं फिरते। तो फिर ऐसी बात हम बैठ कर बताएंगे। अरे हाँ, आपका सिंहासन तो है, आइए ना, आइए आइए, विराजिए महाराज, विराजिए, नीचे विराजिए। साफ करो। अरे महारानी, अरे हमारी महारानी की आंखें जल रही है। आप विराजिए ना महाराज, आप विराजिए। अब महाराज ये बताइए कि वो सेनापति कहाँ है जिसके पास मूर्ति है। वो अरे पापा, अरे बेटी, तुम इस घटी के गरीब खाने में कैसे पहुंच गई? सीढ़ी से। मैं आता हूँ। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ बाबा। वो गुड़िया कहाँ? घर पे है बाबा, मैंने इसे खूब सजा कर रखा है। अरे तुम जिंदगी से बदली हो, क्या बात है? ये लोग हमें जबरदस्ती यहाँ ले आए और बांध दिया। बदतमीज, हमारी बेटी को जंजीर से बांध दिया। हम तुम्हें खोल देते हैं, पकड़ लो इसे। अरे बंदूक दिखा था, तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक मूर्ति नहीं मिल जाती तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। मूर्ति हमारे पास नहीं है साहब। मैंने कहा ना, मूर्ति जैक्सन के पास है और उसका नंबर तुम्हें याद नहीं है। नंबर हम तुम्हें बताते हैं। आपको नंबर मालूम है महाराज? अरे नंबर नहीं जानते तो क्या हुआ, हम जैक्सन को तो जानते हैं। जैक्सन? आपका मतलब है कि जैक्सन ही सेनापति है? हाँ, जैक्सन ही सेनापति है, मूर्ति भी उसके पास है। मूर्ति हम तुमको दे देंगे लेकिन इन दोनों को छोड़ दो। इनको तो हम जरूर छोड़ देंगे महाराज, मगर पहले ये बताइए कि जैक्सन रहता कहाँ है। वो हम किसी को नहीं बताएंगे, हम खुद जाएंगे। फिर शंकर आपके साथ जाएगा। ए पागल, और कितनी दूर है? पागल? तुम लोग सब मुझे पागल समझते हो लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। चलो चलो, मंजिल के लिए दो गाम चलू। बड़ी जोर से लगी है। ठीक है, जल्दी करो। देखो, हमें अकेले जाने की आदत नहीं है, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। क्या? अगर तुम सबके सब नहीं चलोगे तो हम जैक्सन का पता नहीं बताएंगे।
चलो तुम चलो चलो पीछे पीछे आओ। कौन 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 भाई? माफ करना, कुछ गुंडे मेरे पीछा कर रहे हैं, मेरी मदद करो। गुंडे? जल्दी करो भाई साहब। अच्छा चल आओ मेरे साथ। चलो बेटे, अभी अभी कोई आदमी इधर आया था? नहीं भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा। चलो बाहर आ जाओ भाई, वो लोग चले गए। चले गए? चले गए। आपने बहुत बड़ा उपकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर मेरी बेटी की है? ये तो मेरी बेटी की तस्वीर है। आपकी बेटी? हाँ, 12 साल पहले एक हादसे में मैंने इसे खो दिया था, तब से पागलों की तरह भटक रहा हूँ। क्या नाम था उसका? मीना। मीना, तब तो ये वही है। 12 साल पहले ये बच्ची ना जाने कहाँ से मेरी बैलगाड़ी में आ गई, तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ओह, इसका मतलब है मेरी बेटी जिंदा है। ऐसा नहीं कीजिए ठाकुर साहब, देवी को उसके स्थान से उठाने का मतलब है हर कुंभ मेले में घर में एक जवान मौत। कुंभ का मेला? कुंभ का मेला? भाई साहब कुंभ का मेला कब? आज से 2 दिन बाद है भाई। 2 दिन बाद? मेरी बेटी कहाँ है? गाय लेकर मजमा लगाने गई। गाय लेकर मजमा? घबराओ नहीं, कल सुबह तक आ जाएगी। तो ये वो गाय वाली लड़की? हाँ हाँ, ये वही गाय वाली लड़की मीना है। ये तो बदमाशों के हाथों में पड़ गई। क्या कहा? जब तक मूर्ति नहीं मिलेगी वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। और मूर्ति है? मूर्ति है सेनापति के पास। डाल दो उस पागल को अंदर। महाराज, मैं प्रतापगढ़ का ठाकुर रंजीत सिंह हूं। जी, आप प्रतापगढ़ के? लेकिन आप तो? हाँ, मैं पागल हो गया था लेकिन अब मैं होश में आ गया हूं। सुनो, मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है, अगर ठीक वक्त पर मूर्ति वहां नहीं पहुंची तो वो लोग उसे मार डालेंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बता दो मूर्ति कहाँ है। कैसे बता दूं? 500 पुरानी लगी आग बुझाने का एक वही तो रास्ता है मेरे पास। मैं समझा नहीं, कौन हो तुम? उसी बदनसीब रामलाल का भाई जो आप तक मूर्ति पहुंचाने से पहले मार डाला गया था। हमारा परिवार उजड़ गया, अब सिर्फ इस मूर्ति का सहारा लेकर ही मैं अपने भाई के कातिल तक पहुंच सकता हूँ। तब तो हम दोनों की मंजिल एक है, मेरी बेटी भी उसी के अड्डे में कैद है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। क्या आपको उसका पता मालूम? मालूम। तो फिर घबराइए नहीं ठाकुर साहब, आज आपको आपकी बेटी मिल जाएगी और मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। पागल, जैक्सन का पता नहीं है और नंबर तुम्हें याद नहीं? याद होता तो बता नहीं देते साहब। मैंने आपसे पहले भी कहा, एक बार हमें जाने दीजिए, अभी नंबर ला देते। जरूर जाने देंगे, मगर नंबर का पता चल जाने के बाद। 1 इतने सारे नंबर हैं, फिर भी हमसे पूछता है। मुझे तो एक नंबर सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। ये तो वही नंबर लगता है। हाँ वही है, 5 8 1 3 6 2। हाँ, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, याद आ गया। अरे साहब हमें टेलीफोन नंबर याद आ गया। हाँ साहब याद आ गया हमें। मैं जानता था कि तुम्हें नंबर याद आ जाएगा। क्या नंबर है? यही है साहब, यही है, 5 8 1 3 6 2। हेलो। हाँ जी, वो जैक्सन घर पे है? जयकिशन महाराज जेठ, वो तो बाहर गया छे। मैं पूछ रहा था कि वो मूर्ति के बारे में कुछ आपको मालूम है कहाँ है? मूर्ति परवीन भाई ने संभाल के रखी छे।
तिजोरी में। तिजोरी में एक दो तीन चार पाँच छ सात 70,000 इनकम टैक्स रिफंड। वाह 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 देवी जी, जब से तू आई है घर की तो दशा ही पलट गई है। दो तीन तिजोरी हरीना का प्रवीण भाई ने चोरी। बिरबाल दत्तू कैसे हो? जी सर जी। मेरे इस बेडरूम में कौन आया था? रोजी मीना सूजी। इस बेडरूम में कौन आया था? कोई नहीं आया। माजा बेडरूम में कौन आ रहा होता? कोई नहीं। कोई नहीं, जाओ जाओ। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो फिर इधर से गए किधर? कौन? वो कांदाबेन। वो स्कूल गया हुआ है। ओहो, तुम्हारी कांदाबेन नहीं, मेरी कांदाबेन। ओ माता जी, नीचे कीर्तन करे हुए। माता जी नीचे कीर्तन करे हैं। तिजोरी छोड़ी ने जाओ छो, बंद करो। चावी रखता हूँ अपने पास, कोर्ट में जाऊ छे। टूपी पहरो जल्दी जल्दी। अरे अरे आंसू मोटा भाई, चोर के घर में चोर। छोड़ो मूर्ति, छोड़ो भाई प्लीज। मूर्ति ओके, मूर्ति दे देते हैं, दे देते हैं मूर्ति। लेकिन मूर्ति से एक बार आखिरी बार बात करना मांगते प्लीज। आओ मूर्ति, यू आर गोइंग अवे। चल चलो, ठीक है, ओके, चलो। अरे वो तो भाग गए। लीजिए ठाकुर साहब, चलिए देर न कीजिए, चलिए। ये क्या हुआ? ये वो मूर्ति नहीं है मंगल सिंह जी। ये दिखती वैसी लेकिन असली मूर्ति नहीं है। ठाकुर साहब, इस वक्त तो बिटिया की जिंदगी और मौत का सवाल है, हमें इस नकली मूर्ति को ही असली करके बताना होगा। लेकिन चलिए चलिए ठाकुर साहब, जल्दी कीजिए। क्वीन ओफेलिया, मैंने अपना वादा पूरा किया, उम्मीद है कि आप भी अपना वादा पूरा करेंगे। मैं मूर्ति लेकर आपके पास आ रहा हूँ। मैं ना, जो मूर्ति मैंने बनाई थी वो ये नहीं है। क्या? मेरे ख्याल से ये मूर्ति असली है। ठीक 15 मिनट के अंदर इस जगह का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। ओके बॉस। चार्ज इट, चार्ज, पुट इट डाउन। That's right, चलो। Bye. अरे साहब हमें भी तो खोलिए। हाँ हाँ साहब खोलिए ना। अरे हाँ, ये हसीन तोहफा हमारी क्वीन को बहुत पसंद आएगा, इसको खोल दो, खोलो। और बिरजू? हाँ साहब मैं। बिरजू? तुम ठीक 15 मिनट के बाद आजाद होगे। ले चलो। अरे साहब ले चलो, साहब भी टाइम हो में साहब, खोलिए साहब। छोड़
देखते नहीं बम लगा हुआ है। शाबाश शाबाश धनो शाबाश, जल्दी धनो जल्दी, शाबाश धनो शाबाश, शाबाश धनो, चल चल। ठाकुर साहब, हो सकता है कि वो लोग ये जगह छोड़कर किसी दूसरे अड्डे पर चले गए। लेकिन मेरी बेटी की जान खतरे में, उसे किसी तरह बचाना पड़ेगा। फिक्र नहीं, कोई आ रहा है। कैनियन, शाबाश पॉइंटर, चलो आहिस्ता चलेगा, चलो चलो उसको ढूंढ के निकाले। जैक्सन, महाराज, महाराज, ये योर पैलेस, आई एम वेरी सॉरी, हम गलती से इधर आ गया, हम किसी और को ढूंढते थे। किसको? वो जल्दी बोलो। वो एक दफा मूर्ति आप लोग ले गए और दूसरी दफा वो गैंगस्टर्स लोग ले गए। गैंगस्टर्स? दूसरी बार कब? जल्दी बोलो। टू आवर्स बैक, दो घंटा पहले। दो घंटा पहले? ये कैसे हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल, हमारा पॉइंटर बताता, वो लोग जास्ती दूर नहीं गया, वो लोग अभी अभी इस डायरेक्शन में गया। ये पॉइंटर कैसे बताता है? हम जेम्स बॉन्ड का असिस्टेंट था, हम मूर्ति के नीचे एक ऐसा चीज लगाया कि पॉइंटर हमेशा मूर्ति की तरफ खड़े रहो। चुपचाप ठाकुर साहब, ये पॉइंटर हमें उन लोगों और आपकी बेटी तक पहुंचा देगा। वेलकम। क्वीन को जिस पवित्र और शक्तिवान मूर्ति की तलाश थी वो हाजिर है। सुंदर, बहुत सुंदर शेफी, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। क्वीन, मैंने अपना वादा पूरा किया, उम्मीद है आप भी अपना वादा पूरा करेंगी। महामन जी, विवाह की तैयारी कीजिए। सुबह सूरज निकलते ही विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे से कुंभ का मेला शुरू हो रहा है। महामन, ये विवाह सुबह ही हो जाना चाहिए। रस्म के अनुसार किसी कुंवारी कन्या की बलि देनी होगी। बलि हम अपने साथ लाए हैं, बलि हाजिर करो। देवता ऐसी बलि पाकर बहुत प्रसन्न होंगे महामन। कन्या को बलि के लिए तैयार किया जाए। कल 9 बजे कुंभ का मेला शुरू हो रहा है, फिर देवी का शाप लगेगा। ठाकुर साहब के खानदान में कल एक मौत फिर होगी। तो जीवन त्याग दिया है। इसका अंतिम संस्कार हम खुद करेंगे। लेकिन महामंत, शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है। हाँ हाँ महामंत, शादी अभी होगी, रख दो इसे।
लेकिन रानी साहिबा, मरी हुई कन्या की बलि देवता स्वीकार नहीं करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती। महामन, और कोई उपाय नहीं है? है बच्चे, अवश्य है। एक कुंवारी कन्या के बजाय तुम्हारे 10 पुरुषों की बलि चढ़ा दी जाए तो बला टल सकती है। मेरे 10 पुरुष महाराज? सोच लो बच्चे, पुरुष तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, रानी नहीं मिलेगी। सोच लो। ये आपने बहुत सही कहा, बहुत सही कहा महाराज। ले जाओ उनकी बलि चढ़ा दो, ले जाओ, ले जाओ। अब रानी साहिबा, ये वर मुकुट इन्हें पहनाइए। रणजीत सिंह, कौन है ये लोग? ये नकली मूर्ति देकर असली शादी करना चाहता है, ये आपकी इज्जत लेना चाहता है। आपकी इज्जत खतरे में है, असली मूर्ति हमारे पास है, ये देखिए। असली मूर्ति? नहीं नहीं रानी साहब, ये झूठ बोल रहा है और फिर ये आदमी पागल है। सुना रानी, सुना आपने? ये हमको पागल कह रहा है और आपको पागल बना रहा है। इसकी जवानी पर मत जाइए रानी साहिबा, ये ऊपर से नीचे तक नकली है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखाऊं। देख 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 देख, पानी मार, पानी मार। काली गंगा जमुना मुंह पर बह रही है। जैसे इसका दिल काला है वैसे ही इसने बाल भी काले कर रखे हैं। देखा रानी, सफेद बाल और काला मुंह। और आप इस कलमुए से शादी करने जा रही जिसने की नकली मूर्ति लाकर आपको दे दी है। रानी साहब, असली मूर्ति तो ये है, ये जय हो। इसका फैसला हम नहीं, महामंत्र करेंगे। अवश्य हम जरूर बताएंगे। हट जा कलमुए, हट। असली मूर्ति ये जो ये लोग आए, ये झूठ बोल रहे हैं। मूर्ख, हमारे निर्णय को चुनौती देता है। ऐ पवित्र देवी, आज एक मूर्ख प्राणी ने तेरी शक्ति को ललकारा है। अगर तुझ में बल है तो इस मुर्दा जिस्म में आत्मा भर दे। ओम स्वाहा। पवित्र आत्मा के साथ नकली मूर्ति भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। क्वीन, ये सब धोखा है। पकड़ नहीं धोखे बात को मुझे। हाँ, चले जाकर बांध दो। रानी साहिबा, उस ताबूत में एक पवित्र आत्मा भटक रही है, उसका कुछ जल्दी इलाज करना चाहिए। आत्मा को ज्यादा भटकने नहीं देना चाहिए, बाहर चलकर दफना देते। चलो चलो चलो, आओ बच्चो, जल्दी करो, जल्दी करो। ठहरो, रख दो इसे, पहले शादी होगी। शादी? किससे? किससे? आप दोनों में से जो भी इस मूर्ति का असली हकदार होगा, शादी उसी से होगी। ठाकुर साहब, हकदार तो आप ही हैं जाई। लेकिन रानी, ये मुझसे 10 साल जवान है, आप शादी इससे कीजिए। ठाकुर साहब, वक्त पड़ने पर गधी को भी बीवी बना लेना चाहिए। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अब यहाँ कर दीजिए। ओम सुहा, ओम सुहा। ऐसी खूबसूरत रानी से जो शादी ना करे वो गधा है। हम तैयार हैं, रस्म शुरू हो। अवश्य, लेकिन अब बलि दूल्हे की होगी, नकली दूल्हे की। दुल्हन भी है बराती भी है, अरे दुल्हन भी है बराती भी है।
दोस्त भी है और साथी भी है, पर दूल्हे राजा दूल्हे राजा कोई और आ गए, चोर के घर चोर आ गए, ओ देखो चोर के घर चोर आ गए। दुल्हन भी है बराती भी है, अरे दोस्त भी है और साथी भी है, पर दूल्हे राजा कोई और आ गए, चोर के घर चोर आ गए, ओ देखो चोर के घर चोर आ गए। खुशी मिली आज है, ले ले मजा मेरी बाहों में आ, हर ना तो शर्मा प्याला उठा, खुद भी तू पी सबको पिला, मस्ती में झूम ले, मस्ती में झूम ले, प्याले को चूम ले, नशे के रंग देखो छा गए, चोर के घर चोर आ गए, चोर के घर चोर आ गए। महले पे ऐसा पहला पड़ा, महफिल की महफिल ही मत होश है, अरे नहले पे ऐसा दहला पड़ा, महफिल की महफिल ही मत होश है, अरे तुम होश में और हम होश में, बाकी जमाना बेहोश है, हो गई हार तेरी हो गई हार तेरी, चली ना हेरा फेरी, चोरों का माल चोर खा गए, चोर के घर चोर आ गए, ओ देखो चोर के घर चोर आ गए, ओ देखो चोर के घर चोर आ गए, ओ देखो देखो चोर के घर चोर आ गए। बेटे हाँ बाबा। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना ये जंगली तो इसकी बलि चढ़ा देते। अपनी बेटी मुसीबत में है तो बाप कैसे नहीं आएगा बाबा? हाँ बेटी, यही तुम्हारे पिताजी। इस कमीने शेर सिंह की वजह से आज से 12 साल पहले तुम इनसे बिछड़ गई थी, तब से ये तुम्हारे गम में आज तक पागलों की तरह भटकते रहे। हाँ बेटे। बाबा आप ही मेरे पिता है, आखिर तुम मुझे मिल गए बेटे। ठाकुर साहब देर ना कीजिए, मेला शुरू होने में सिर्फ एक घंटा बाकी रहेगा। अरे हाँ, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। और आप? मुझे अभी एक पुराना हिसाब चुकाना है, इस कमीने ने मेरे भाई को भी मार डाला था और उनकी आखिरी निशानी उनका बेटा हमसे बिछड़ गया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तड़पा तड़पा कर। भगवान के लिए आप लोग यहाँ से निकल जाइए जल्दी। साहब को कोई जाने न पाए, पकड़ लो इन्हें, गिरफ्तार कर लो इन्हें। लाओ वो मूर्ति मुझे दो। डोंट मूव, कोई भी अपनी जगह से हिले कि नहीं। मूर्ति हमको चाहिए, ब्रिंग इट, इधर लाओ। अब तो वक्त आ गया है, मूर्ति दे देनी चाहिए। हाँ चलो मूर्ति दे देते हैं। ठाकुर साहब आपका गुस्सा बहुत खराब है, आप कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, इसलिए हाथ जेब में डाल लीजिए। समझ गया मंगल सिंह, समझ गया। जल्दी करो, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। Where my guns, मेरा बंदूक किधर? Thank you.
Jackson, lie down. बनाते हैं, असली मूर्ति तो मेरे पास है। असली मूर्ति इधर ले आओ, नहीं तो इन्हें मार दिया जाएगा। लीजिए ठाकुर साहब, मूर्ति दे दीजिए। असली मूर्ति दे दूं? ठाकुर साहब अब और कोई चारा ही नहीं है, दे दीजिए। अब तो आखिरी सांस रह गई है, वो भी लगा दीजिए। लगा दूं? नीचे चलो। लीजिए महामंत्र, असली मूर्ति ले जाइए। महामंत्र जल्दी ले जाइए, रानी साहिबा पहले ही गुस्से में हैं। जल्दी जरा जल्दी। ये लीजिए रानी साहिबा। तुमने हमारे घर को आग लगाई थी। ने मेरे भाई का खून किया था, ये मेरा शिकार है। तू किधर जाता है? ये तेरे निशान कब से? बचपन से। मैं तुझे बरसों से ढूंढ रहा हूं। ये रही मूर्ति, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बेटी को। मेरी बेटी कहाँ? मैना, मीना, मैना, मीना, मैना क्या हुआ? मीना, मीना, मीना बेटी, मीना। घबराइए नहीं ठाकुर साहब, चलिए से अस्पताल चलते हैं। कोई फायदा नहीं, मैं जानता था यही होगा। 9 बजने में ज्यादा वक्त नहीं, हम मूर्ति मंदिर तक नहीं पहुंचा सकते। खानदान पर लगा हुआ शराब मेरी बेटी को भी लग गया। घबराइए नहीं ठाकुर साहब, हमारे पास पुलिस के हेलीकॉप्टर हैं। चलिए। ठाकुर साहब, बिटिया को होश आ गई।
ना बेटी, मेरी बच्ची। पिताजी। ठाकुर साहब, आज कितने पिछड़े हुए फिर से मिले, आपको अपनी बेटी मिल गई और मुझे मेरा सब कुछ, ये सब तेरी की महिमा। मूर्ति लाया। अरे साहब, आपका माफी गिराक मिलेगा तो एक मूर्ति हम रोज बना के लाएगा। दिखाओ। कितने चुप, चूरा कितने चुप। ओ यस यस, टुमारो पैसा, हम जब हमारा कंट्री जाएगा हम एवरी मंथ तुमको ऑर्डर भेजेगा। यस थैंक्स अ लॉट। तिजोरी, तिजोरी में से मूर्ति जब से चला गया है परवीन भाई का तो धोतिया ढीला हो गया है। परवीन, मूर्ति हम तुमको दे नहीं सकते। मोटा भाई, आप मुझे मूर्ति दे सकता? ये इधर में देखो। हाँ, लाओ लाओ मुझे दे दो। नो, तुमको मूर्ति मांगते, हमको कैश मांगते, 1 लाख। 1 लाख? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 99,000 दूंगा। ओके, इट्स अ डील, जल्दी करो, कम ऑन। आलो मोटा भाई, 99,000। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। भाग्यशाली मूर्ति, पाची परवीन भाई ना तिजोरी में आवी गई। तुमको कैसे मालूम? अरे छापा में आया था अखबार में, जो मूर्ति वापस मंदिर में रखती।